बजट से पहले मुद्दों पर चर्चा हो रही है। करीब 20 अर्थशास्त्री बैठक में इस वक्त मौजूद हैं। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। अमिताभ नमस्ते। तो ये तो क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी इस बैठक में मौजूद हैं? बजट से पहले भारत की क्या नीति होनी चाहिए, सरकार की क्या नीति होनी चाहिए, क्या इस पर बात हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल आनंद, बैठक अभी चल रही है और प्रधानमंत्री 20 अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कार्यशैली का यह हिस्सा रहा है कि बजट से पहले, वो पहले भी बजट से पहले अर्थशास्त्रियों से मिलते रहे हैं। वो अर्थशास्त्रियों की राय के साथ साथ जनता की राय, दोनों मिलाकर बजट को अंतिम रूप देना पसंद करते हैं। और यही जनता की राय जानने के लिए तमाम मंत्रियों को देश भर में भेजा भी जाता है। प्रधानमंत्री खुद फीडबैक जनता का लेते रहते हैं, तो अर्थशास्त्रियों का फीडबैक और जनता की मुश्किलें दोनों मिलाकर प्रधानमंत्री बजट के पर को जो अंतिम रूप दिया था उस पर प्रधानमंत्री काम करते हैं। तो बैठक अभी चल रही है, देखते हैं अर्थशास्त्री उनको क्या सलाह देते हैं। कई सारे ऐसे प्रसिद्ध चेहरे वहां दिख रहे हैं जिनके अलग अलग भाव, अलग अलग मत हो सकते हैं। सबको सुनकर क्या नीति अपनाएगी सरकार, ये देखने वाली बात होगी, वो तो बजट के दिन पता चलेगा। धन्यवाद अमिताभ आपके अपडेट के लिए। नाराजगी है तो जताते हैं, खुशी में खुशी बांटते हैं, अगर जो ललकारे कोई तो करारा जवाब भी देते हैं। जो कहते हैं दिल से कहते हैं, गुस्सा है तो गुस्से में कहते हैं, साथ आपके खड़े रहते हैं, बुलंद करते हैं आपकी आवाज, सही के लिए गलत से लड़ते हैं। जो कहते हैं दिल से कहते हैं, क्योंकि हर खबर यहाँ सिर्फ खबर नहीं एक जज्बा है, और ये जज्बा रहेगा हरदम कायम। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया, देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल। ने ये मिलिट्री ड्रिल की जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें गाओशियोंग शहर के एक नेवल बेस पर ताइवान के कुछ सैनिक टारगेट पर सटीक निशाना साधने का अभ्यास करते नजर आए। इस दौरान ताइवान ने अपने टैंकों, हेलीकॉप्टरों और जहाजों की ताकत भी दिखाई। इस मिलिट्री ड्रिल के वीडियो में दिखा कि ताइवान के सैनिकों ने दुश्मन के ठिकाने को बारूद से उड़ा दिया और समंदर में पेट्रोलिंग कर दुश्मन की नींद उड़ा दी। उधर तालिबान सरकार के महिलाओं पर लिए गए कुछ फैसलों पर विरोध जताते हुए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज को रद्द कर दिया, क्योंकि तालिबान सरकार ने महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज मार्च में यूएई में खेली जानी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने अब इसे रद्द करने का फैसला किया। इधर खबर है कि बिहार में मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और उपेंद्र कुशवाहा को राज्य का दूसरा डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। फिलहाल इस बात की सिर्फ चर्चा है, लेकिन अगर ये खबर सच हुई तो फिर तो तेजस्वी को जोरदार झटका लगेगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के दूसरा डिप्टी सीएम बनते ही तेजस्वी का तेज कम हो सकता है। हालांकि इस बात का कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कुशवाहा ने अपने हाव भाव से जता दिया कि अगर डिप्टी सीएम बनने का ऑफर आया तो वो उसे ठुकराएंगे नहीं। अब ऐसा करने की मौका मिलेगा तो हम कोई सन्यासी है, मौज में हम बैठे हुए। लेकिन आरजेडी ने दबी जुबान से बता दिया कि वो इस बात से नाखुश है। अति महत्वाकांक्षा कष्टकारक भी होता है, यानी बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी और जेडीयू ने हाथ तो मिला लिया, लेकिन कुछ मुद्दों पर उनके दिल नहीं मिल पा रहे, जिससे बीजेपी का बैठे बिठाए फायदा हो सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि तेजस्वी उनके उत्तराधिकारी हैं, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम बने तो उनकी ताकत कम हो सकती है।